नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। यह है आपका पुस्तकालय विज्ञान के 100 प्रश्नों का टेस्ट। इससे पहले भी मैं जो है 100 प्रश्नों का टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, और कुछ छोटी छोटी सेट में भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप उनको नहीं देख चुके हैं या फिर उनका PDF अगर आपने नहीं देखा है, सॉल्व नहीं किए हैं वो क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, और जो इनका PDF है वो आपको केवल और केवल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम एग्जाम सिटी नेहा एडुकेटर सर्च भी कर सकते हैं, इससे आपको इजीली मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और एक और बात बता दूँ, अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपके लाइब्रेरियन की जो परीक्षा होने वाली है, तो आपके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है राजस्थान GK भी, तो उसके लिए मैंने काफ़ी एक मेगा वीडियो बनाया है, जिसमें आपके ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है कवर होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो उनको भी आप ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर खुद भी आप पेपर डाउनलोड करके उनको सॉल्व ज़रूर से ज़रूर कीजिए, जो आपके पहले जो आ चुके प्रश्न है गत परीक्षाओं में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है। बता दूं, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, किसी अन्य स्टेट की एग्जाम में आया था। हाँ, ये जो क्वेश्चन होंगे तो उसका मैं बता दूंगी कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इजी भी है, कुछ ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं, तो आप इनको ज़रूर से ज़रूर इंपॉर्टेंट जो हो आपको नोट करते हुए ज़रूर चलेगा। तो ये जो पेपर है आपका 2016 में हुआ था, अब ये मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये किसी स्टेट का पेपर है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। तो क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो मैंने डाउनलोड किया है, ये आपका एज ए फाइनल आंसर की जो है अपलोड किया गया था, तो इसलिए इसमें जो आंसर है उसमें टिक किए गए हैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे, तो इसलिए मैंने उनको हाइड कर दिया है। वैसे आपको ये तो विजिबल है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका सबसे पहला प्रश्न जो है इसमें वो है आपका एक्सपेंड द एक्रोनिम मार्क, तो मार्क की आपको फुल फॉर्म जो है बतानी है। पहला प्रश्न आपका काफ़ी इजी है, तो आपका जो भी स्कोर रहे इन 100 प्रश्नों में वो आप ज़रूर बताएं। अगर आपका 75 तो रहता है, तो आपकी काफ़ी अच्छी जो तैयारी है आपकी उससे आगे रहता है, तो बहुत ही बढ़िया है, तो स्कोर ज़रूर आप बता के जाइएगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होगी, इन ऑप्शन में से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका मशीन रीडेबल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर है, मशीन रीडेबल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, तो ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा। इसमें इंग्लिश में दिए गए हैं, हालांकि जो थोड़े से अलग क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनकी हिंदी ज़रूर समझा दूंगी, बाकी आपका इजी लैंग्वेज में दिया गया है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इज कनेक्टेड विद विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कि बुक्स का जो अरेंजमेंट किया जाए वो आपके जो लाइब्रेरी के 5 लॉ दिए गए हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा, उनमें से कौन से लॉ से जो है संबंधित है, इनमें से जो लॉ बताना है आपको, नियम बताना है, तो वो है आपका 4th लॉ, आपका जो चतुर्थ नियम है लाइब्रेरी का, उससे संबंधित आपका अरेंजमेंट्स ऑफ बुक्स। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टार्टेड BLIB साइंस कोर्स, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स। तो इनसे आपको एकदम डेटा जो है एकदम कह सकते हैं फैक्ट वाला मिल रहा है, कोई भी इसमें दो राय नहीं होगी, तो उसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिएगा, अगर आपको उससे रिलेटेड सही फैक्ट पता है तो। ये इन्होंने किया था 1931 में, जो आपकी जो मद्रास यूनिवर्सिटी है उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जो लाइब्रेरी साइंस में, उसमें बैचलर्स का कोर्स। तो ये कौन से ईयर में किया था, 1931 में। ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड ऑफ द ईयर नेशनल बुक वीक इज सेलिब्रेटेड, तो कौन से पीरियड में जो है आपके जो नेशनल बुक वीक है कह सकते हैं, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह कब जो है सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था इनमें से, तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये मनाया गया था 14th नवंबर से लेकर 20th नवंबर तक, ठीक है ना, मतलब 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये मनाया गया था, तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा।
ये आपका क्या था, नेशनल बुक वीक। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरीज, तो आपका कौन सा लॉ है वो संबंधित है कि लाइब्रेरी का अच्छे से जो विकास किया जाए। तो ये था आपका फिफ्थ लॉ, मतलब पांचवा आपका नियम था। FID/second वॉज आइडेंटिफाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ, तो ये जो किस किस चीज के सॉल्यूशन के लिए जो है बनाया गया था, तो ये बनाया गया था आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए FID का जो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फेयर यूज इज अ टर्म मोस्ट रेलेवेंट टू, कि किसी भी चीज़ का उचित उपयोग इन आपके ऑप्शन में से किससे ज़्यादा जो है उपयुक्त है, फिर किसके लिए ज़्यादा जो है सही संबंधित होगा इन ऑप्शन में से किसी भी चीज़ का उचित उपयोग, तो इनमें से किससे ये सबसे ज़्यादा संबंधित होगा या किससे रिलेटेड है। तो ये होगा आपके इन ऑप्शन में से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड नहीं कह सकते हम, और ना ही बुक्स बोरोड फॉर होम रीडिंग के लिए भी नहीं कह सकते फेयर यूज। अगर किसी चीज़ का उचित उपयोग करना है, किसी ने भी अपना एफर्ट लगा के कोई काम किया है, अगर उस चीज़ का उसी इंसान को जो है पूरा फ़ायदा मिल पाए, या फिर उसका कोई गलत उपयोग करके उसका ना करे, तो क्या करना चाहिए, उस चीज़ पे कॉपीराइट लगा देना चाहिए, जिससे कि अगर कोई गलत उपयोग भी करता है तो उस पर कोई केस दायर करके या फिर कॉपीराइट एक्ट दायर के वजह से जो है उसको उस चीज़ का फ़ायदा जो है ज़रूर मिल पाए। तो फेयर यूज़ करवाने के लिए जो है ही जो है आपके कॉपीराइट जो है आपका लगाया जाता है। तो इसका जो सही संबंध है मोस्ट रेलेवेंट जो होगा ये केवल और केवल कॉपीराइट से होगा, क्योंकि यही बताता है कि किसी भी चीज़ का फेयर यूज़ हो। अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो भी कॉपीराइट आता है, बुक से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा ही कॉपीराइट है कि भाई ये कॉपीराइट बुक है, या फिर आप बुक का कोई भी पेज यहाँ पर क्लिक करके कहीं और नहीं अपलोड कर सकते, ये सभी चीज़ें आपने देखी होगी, और कॉपीराइट का आपने इस तरीके से साइन भी देखा होगा। तो ये आपका हो जाएगा कॉपीराइट, और कॉपीराइट से ही लोग जो है सोचते हैं कि किसी भी चीज़ को गलत इस्तेमाल करना, या फिर किसी चीज़ का इस्तेमाल अपने खुद के लाभ के लिए करना कि मैं इस चीज़ को अपलोड करके क्या पता मैं भी कुछ कमा लूँ या फिर मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, तो इससे बचाता है आपका कॉपीराइट। नेक्स्ट आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन अभी तक हुआ है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन 1957 एन एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये जो 1957 में जो चेयरमैनशिप जो दी गई थी एडवाइजरी कमेटी की, तो उनके अध्यक्ष कौन थे, या फिर कह सकते हैं उनके चेयरमैन कौन थे। तो इनमें से आपका ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, के पी सिन्हा जो थे, तो इनके जो कह सकते हैं ये इसके चेयरमैन बने थे, इनकी चेयरमैनशिप में ये जो है आपकी एडवाइजरी कमेटी जो है चली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका KP सिन्हा। 1957 से करके आप याद जरूर रखें, KP सिन्हा। इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो इंडिया का जो कॉपीराइट एक्ट है वो 1957 वाला, वो कब प्रभाव में आया इनमें से, जो यहाँ पर ईयर दे रखा है इनमें से, पर बन तो ये 1957 में गया, लेकिन प्रभाव में कब आया, काम में कब लिया गया ये, तो ये हुआ था 1958 से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अ लाइब्रेरियन टू बिकेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ILA, तो इनमें से कौन से आपके लाइब्रेरियन है या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष है जो कि आपके ILA के पहले प्रेसिडेंट बने थे। ILA की जल्दी से आपको फुल फॉर्म बता देनी है कमेंट बॉक्स में। तो ये बने थे आपके डॉक्टर SR रंगनाथन, ए ऑप्शन का राइट आंसर है, जो कि आपके पहले प्रेसिडेंट बने थे ILA के डॉक्टर SR रंगनाथन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फॉर्मड इन, तो ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कब बना, तो ये भी एक तरह का एसोसिएशन है, जैसे कि आपका ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसकी फुल फॉर्म में होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और वैसे ही आपका ये है ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसका जो है वो ये कब बना, कब फॉर्म हुआ ये, तो ये हुआ था आपका 1920 में, बी ऑप्शन का राइट आंसर है 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ आइजेलिक, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, कलकत्ता में है या फिर कोलकाता में है, इस तरीके से कह सकते हैं हम, में जो काम आता है वो क्या होता है, एबेकस होता है, तो ये कौन सी भाषा से जो है लिया गया है, डिराइव किया गया है, तो जो इसकी भाषा है वो कौन सी है, अरेबिक है, डी ऑप्शन का राइट आंसर है। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बिगेन इन, तो थर्ड जनरेशन जो है कौन से ईयर में आई थी इनमें से, तो तृतीय पीढ़ी के जो आपके कंप्यूटर्स है वो कौन से आपके सन में है वो आए थे ये बताना है, तो 1965 में आ गए थे आपके थर्ड जनरेशन के तृतीय पीढ़ी के आपके कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज ALA एस्टेब्लिश, तो ALA का जो है स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, ALA की स्थापना इनमें से बताइए, तो जैसे आपका ILA है उसी तरह है ALA, तो वो है आपका अमेरिकन लाइब्रेरियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसकी की गई थी 6 अक्टूबर 1876 में, वो डेट भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। पिक आउट द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित है इनमें से, तो एक ही हमें दिख रहा है जो कि आपका है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जो कि एफिलेटेड है ग्रेट ब्रिटेन से, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका फर्स्ट पब्लिश्ड, तो एनसाइक्लोब्रिटैनिका जो है पहली बार कब प्रकाशित किया गया था इन वर्षों में से, तो ये किया गया था 1768 से 1771 के बीच, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आई होप आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, जो भी लोग अगर हिंदी में क्वेश्चन चाहते हैं, क्योंकि ये पेपर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए हैं इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, बाकी आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो उसका भी आप बता सकते हैं, बाकी आपको PDF मिल जाएगा तो उसमें भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर आपको वीडियो थोड़ी स्लो कह सकते हैं लग रही है तो आप थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हैं, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। नेम द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया दैट फर्स्ट रेफरेंस लाइब्रेरियन क्रिएटेड द पोस्ट, तो इसमें से कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो इंडिया की है उन्होंने एक रेफरेंस लाइब्रेरियन की नाम की जो पोस्ट है वो क्रिएट की थी, इनमें से कौन सी जो यूनिवर्सिटी होगी इनमें से, तो वो है आपकी मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज, तो कवर टू कवर अगर किसी चीज़ का ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको किस तरीके से हम किस तरह की सर्विस हम सर्विस जो है हम बताएंगे अगर कवर टू कवर ट्रांसलेशन किया जाता है उसका, तो वो है आपका करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS करंट अवेयरनेस सर्विस, तो उसको कहते हैं कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एज करंट अवेयरनेस सर्विसेज, बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिसर्च पीरियोडिकल्स आर विच कैटेगरी ऑफ सोर्सेज,
तो रिसर्च पीरियोडिकल्स है वो किस तरह के आपके स्रोत हैं, इनमें से प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्टरी है या तृतीय है, या फिर इनमें से कौन जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस हैं, तो वो है आपके प्राइमरी सोर्सेस। मैं हमेशा बताती हूँ जो रिसर्च से रिलेटेड कोई भी आपका डेटा आता है तो वो क्या होता है, आपका प्राइमरी प्राथमिक स्रोत होता है, प्राइमरी सोर्स होता है वो, प्राथमिक स्रोत, तो उसको हम लेंगे प्राइमरी सोर्सेस के अंदर। हु शुड एडुकेट द यूजर्स इन लाइब्रेरी, तो कौन एडुकेट करता है उन लोगों को, कौन समझाता है उससे रिलेटेड चीज़ों को, यूजर्स को जो आपके लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं उनको, तो उस ये काम होता है आपके लाइब्रेरियन का। ठीक है, ए ऑप्शंस का राइट आंसर है लाइब्रेरियन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, तो उसका नाम है रेडी रेफरेंस सर्विस। तो शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस जो है इसका एक अदर नाम हम कह सकते हैं वो है आपका रेडी रेफरेंस सर्विस। अगला प्रश्न है, रेफरेंस सर्विस इज द कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक इन द राइट पर्सनल वे वॉज स्टेटेड बाई, तो ये किसका स्टेटमेंट है, इनमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो हिंदी अर्थ है वो क्या होगा, संदर्भ सेवा सही पाठक और सही व्यक्ति व्यक्तिगत तरीके से सही पुस्तक के बीच एक सही संपर्क है, कॉन्टैक्ट है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था इनमें से, तो ये कहा गया था आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। तो इनकी ये परिभाषा भी आप ज़रूर नोट करके चलिए, फिर से मैं बोल देती हूँ एक बार, संदर्भ सेवा सही पाठक और सही व्यक्तिगत तरीके से सही पुस्तक के बीच संपर्क है, तो ये कहा गया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा, बी ऑप्शंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, पॉपलाइन डेटाबेस इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, तो पॉपलाइन डेटाबेस जो है वो क्या है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है इनमें से, तो पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, ये है आपका मेडिकल सॉरी मेडिसिन से है, मेडिसिन से है। पॉपलाइन का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो सकती है, तो इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। ठीक है, पॉपुलेशन इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, और उसका जो रिलेशन है वो किसके साथ हो जाएगा, मेडिसिन के साथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप, इनफ्लिपनेट इज लोकेटेड एट, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनफ्लिपनेट का जो कह सकते हैं मुख्यालय कहाँ पर है या फिर कहाँ पर ये अवस्थित है, तो ये है आपका अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में, ए ऑप्शंस का राइट आंसर है। इंस्टॉक कम्स अंडर, तो इंस्टॉक तो है किसके अंतर्गत आता है, कौन सी जो यहाँ पर इनमें से इंस्टीट्यूट है इनमें से आता है, ये संस्था के अंतर्गत आता है, तो देख सकते हैं इनमें से, तो वो है आपकी CSIR, CSIR के अंतर्गत आता है आपका इंस्टॉक। अब देख लीजिए CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इंस्टॉक की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए जो कि आपकी है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन CSIR की है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CLRI कम्स अंडर द सेक्टरल सेंटर, तो CLRI जो है किस किस सेक्टर के अंतर्गत जो आएगा इनमें से, पहली बात अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे, इसकी इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपका सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल लेदर रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट, और तो इसका रिलेशन हो गया है लेदर टेक्नोलॉजी से ही, तो डी ऑप्शंस का राइट आंसर है। हु पब्लिशेस INIS एटम इंडेक्स, तो ये कौन पब्लिश करता है इनमें से, तो INIS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए जो कि आपकी है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये की जाती है आपकी वियना से,
ऑस्ट्रिया में है। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया देश जो है आपकी, जो कि आपका यूरोप में है, उसकी राजधानी है। यहाँ से ये जो है आपकी पब्लिश की जाती है। ये है आपकी इंटरनेशनल कह सकते हैं संस्था है, तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी सिस्टम है ये संस्था नहीं। बाय विच नेम मेडलर्स इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन, तो मेडलर्स की आपके फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, तो मेडलर्स जो प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है आपका मेडलाइन द्वारा। अब मेडलर्स क्या है, फिर ये जो मेडलाइन है इससे रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका है मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिसर्च सिस्टम, तो ये आपको प्रोवाइड करता है मेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इवॉल्व ब्यूरोक्रेसी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो नौकरशाही मॉडल जो कह सकते हैं वो किसके द्वारा इवॉल्व किया गया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन ऑप्शन में से आपको बताना है इन लोगों का जो नाम दिया गया है इनमें से किसने किया था ये इस मॉडल का निर्माण। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका मैक्स वेबर। द कमिटी दैट एडवाइसेज द गवर्नमेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज इज, तो वो है आपका स्टेट सेंट्रल कमिटी। इसका मतलब है कि आपकी ऐसी कौन सी कमिटी है जो सरकार को आपके जो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित सुझाव जो देती है, तो वो है आपकी स्टेट सेंट्रल कमिटी। तो ये आपकी कमेटी का नाम है, ए ऑप्शंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज स्टडीड द साइकोलॉजी ऑफ वर्कर्स, तो किसने अध्ययन किया है जो आपके काम करने वाले लोग हैं उनके उनके ऊपर जो मनोविज्ञान पर, तो साइकोलॉजी ऑफ वर्कर्स, तो ये जो किया है आपके, ये किया है आपके ह्यूगो मास्टरबर्ग ने। ए ऑप्शन राइट आंसर इसका, तो कार्यकर्ताओं के मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया, ह्यूगो मास्टरबर्ग ने, तो ये ऑप्शन का राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, तो ये है आपका हु एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ सॉरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका अर्थ जो है भाई कार्यकर्ताओं सॉरी जिन्होंने एक संगठन में का जो आपके कार्मिक है या फिर कर्मियों के व्यवस्था पर जो महत्व पर जोर दिया है वो इनमें से कौन है, कि एक संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एक व्यवस्था का जो महत्व है उस पर किन्होंने जोर दिया है इनमें से, तो वह आपके गॉस वाइट डिनकॉक। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं आपके आउट ऑफ कंटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये आपका लाइब्रेरियन का पेपर है या फिर लाइब्रेरी साइंस का ही पेपर है इसलिए हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप अपना फीडबैक जरूर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी आपको इस तरह के जो है वीडियोज़ मिल पाएंगे। मैंने काफ़ी सारे ऐसे PDF डाउनलोड की है जिससे कि आपको हेल्प मिल पाएगी, जिसमें आप देख सकेंगे कि कितनी अलग अगर आपके स्टेट में किस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। नेवाक चार्जिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ नेवाक या फिर नेशनल लाइब्रेरी, तो नेवाक चार्जिंग सिस्टम है वो कहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जिसका राइट आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ नेवाक। सी ऑप्शन का राइट आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ नेवाक। असिस्टेंट रजिस्टर इज मेंटेन्ड बाई, तो आपका असिस्टेंट रजिस्टर है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, किस सेक्शन में मेंटेन किया जाता है।
तो ये किया जाता है आपका रेफरेंस सेक्शन में किया जाता है आपका एसेशन रजिस्टर। डी ऑप्शंस का राइट आंसर है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फोटो चार्जिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, आई थिंक इसका आंसर जो आपको दिख रहा है तो ये किया गया था राफ आर शो द्वारा, फोटो चार्जिंग सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है रंगनाथन्स रीडर्स टिकट बुक टिकट मेथड इंट्रोड्यूस इन विच लाइब्रेरी। तो रीडर्स के लिए टिकट या फिर आपके बुक टिकट मेथड जो आपका है वो किस लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन का ये जो मेथड था तो वो था आपका मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। बी ऑप्शन का राइट आंसर है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। द टर्म बी स्पीकिंग वर्क वॉज यूज बाई, तो आपकी टर्म जो है बी स्पीकिंग वर्क वो किसके द्वारा यूज की गई थी इनमें से, तो ये की गई थी डीवी द्वारा। बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो इनकी जो टर्म है बी स्पीकिंग वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एसडीआई, एसडीआई का एक ऐसा कौन सा भाग इनमें से होगा, तो आप ऑप्शन में से देख के बताइए, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल या फिर क्लासिफिकेशन फैक्स या फिर यूजर टोकन। तो वो है आपका डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। तो डॉक्यूमेंट प्रोफाइल जो है आपका एक एसडीआई का क्या है कंपोनेंट है, और ये है आपका सूचनाओं का चयनात्मक प्रसार एसडीआई। एसडीआई का मतलब क्या होगा, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द टर्म रूटिंग इज एसोसिएटेड विद, तो टर्म आपकी रूटिंग है वो किससे संबंधित है, बुक सेलेक्शन से, पीरियोडिकल्स मेंटेनेंस से है। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं आपके कह सकते हैं पत्रिकाएं उनको, इंटर लाइब्रेरी लोन से है या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से है, तो वो है आपका पीरियोडिकल्स मेंटेनेंस से है, पत्रिकाओं के मेंटेनेंस से। तो इस तरह के जो भी टर्म्स आ रही हैं उनको आप ज़रूर नोट करते हुए चलिए, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड टर्म हो चाहे वो इस तरह की टर्म हो। तो जैसे कि आपकी रूटिंग है तो आपकी किससे हो जाएगी, पीरियोडिकल्स मेंटेनेंस, तो आपका ये हो जाएगा पत्रिकाओं के मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, रख रखाव, पत्रिकाओं के रख रखाव से। इन विच सिस्टम ऑफ पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बॉटम एंड टॉप कार्ड्स आर यूज्ड, तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें पत्रिकाओं का रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें बॉटम और टॉप कार्ड जो है यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपके सिस्टम यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आपका सिस्टम है कार्डेक सिस्टम। ये ऑप्शन का राइट आंसर है कार्डेक सिस्टम में, जो आपके पीरियोडिकल्स के रजिस्टर्स हैं उनमें आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें आपके बॉटम और टॉप कार्ड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है अंडर फोर्थ प्लान पीरियड, जबकि फोर्थ कह सकते हैं जो योजना थी उसमें व्हाट वाज द बजट एलोकेशन फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज रिकमेंडेड बाय कोठारी एजुकेशन कमीशन। तो कितने रुपए का जो है एक रिकमेंड क्या क्या बजट होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी के लिए और कॉलेज लाइब्रेरीज के लिए आपके जो कोठारी एजुकेशन द्वारा। तो ये था आपका 58.06 करोड़ का जो ये बजट इन्होंने रिकमेंड किया था कि इतना होना चाहिए आपके कोठारी एजुकेशन कमीशन द्वारा। जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज डिवेलप्ड बाई, तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, विकसित की गई है इनके द्वारा, तो वह आपके पीटर फेयर द्वारा की गई थी, पीटर फेयर। बी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज नॉट कनेक्टेड विथ,
तो ये है आपका, लोकेशन से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, फर्नीचर से भी है, लेकिन लॉस ऑफ बुक्स से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि इससे कनेक्टेड जो आपका लॉस ऑफ बुक्स से आपका फर्स्ट लो जो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डेल नेट वॉज इनिशियली प्रोमोटेड बाय, तो डेल नेट जो है आपका सबसे पहले प्रमोट किया गया था आपके निसिट द्वारा, NISSET। और निसिट के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और डेल नेट आपको पता ही है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज द यूज टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट। तो ऐसा कौन सा आपका लाइब्रेरी का जो लॉ है वो बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो यूज़र का टाइम सेव होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, जल्दी से वो अपनी जो भी बुक चाहता है, जो चीज़ पढ़ना चाहता है, जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहता है, वो उसको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन, फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डी ऑप्शन। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बजट ऑन लाइब्रेरीज इन लाइब्रेरी इन इंडिया बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन 1948 से लेकर 1949 तक का। तो किस परसेंटेज में आपका यूनिवर्सिटी का बजट रहा था अपने भारत के अंदर। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो आपका कह सकते हैं 1948 और 39 जो आपका कह सकते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में। तो ये था आपका सी ऑप्शन, 6.5% जो इसमें बजट रहा था। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसाइज द नीड ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो कौन सा आपका लाइब्रेरी साइंस का लॉ है वो इस पर जोर डालता है कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग जो आपका जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग को क्या कहेंगे, जो लाइब्रेरी खुद है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी की बिल्डिंग से रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इन कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम तो एक्स रिप्रेजेंट फॉर, तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है इनमें से, सी ऑप्शन, तो इकोनॉमिक्स को करता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए हम एक्स ये जो कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा इकोनॉमिक्स को। द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC वॉज पब्लिश्ड इन, तो कौन से ईयर में जो है DDC पहली बार जो है पब्लिश हुआ। तो DV डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो बी ऑप्शन 1876 में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन वॉज रिलीज इन, तो कॉलन क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो उसका पहला संस्करण वो रिलीज हुआ 1933 में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका द फर्स्ट एडिशन ऑफ DDC कंसिस्टेड ऑफ, तो कितने पेज उसमें थे, तो इसमें थे आपके 44 पेज थे, 44 पेज थे। FID इज द बॉडी विच हैज़ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, तो किसके लिए है FID की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, UDC के लिए। हु हैज़ इनिशिएटेड UDC, UDC की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी आपके पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉ फॉन्टेन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, इन CCED 7 विच सिंबल इज यूज टू इंडिकेट द फेज रिलेशन, तो CC के एडिशन 7 में जो है कौन सा सिंबल यूज किया जाता है फेज रिलेशन को दिखाने के लिए। तो CC क्या है आपका, कॉलन क्लासिफिकेशन। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये आपका जो एन का जो साइन आता है इसको इसके द्वारा हम जो है दर्शाते हैं एम्परसेंट द्वारा।
इन सी सी विच फंडामेंटल कैटेगरी डज नॉट अकर इन राउंड्स? तो ये हो जाएगा स्पेस। तो स्पेस जो है वो सीसी की आपके मौलिक श्रेणी में नहीं आता है, राउंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट कमिंग अंडर वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। तो आपका जो दीवार चित्र या फिर पिक्चर क्या कहेंगे, चित्र सिद्धांत के अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो हॉल को हॉल तो हॉल ऑर्गन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका एक्टर एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल, काउ काफ प्रिंसिपल, या फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेट सीक्वेंस। तो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ पृथक जो सीक्वेंस है, क्रम है, उसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो आपके वॉल पिक्चर प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपके जो बच्चे हैं, चाहे आपका हॉल ऑर्गन प्रिंसिपल हो, चाहे आपका ये जो बाकी हैं, तीनों आते हैं। ये जो बच्चा है आपका प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेट सीक्वेंस है, वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर द सीक्वेंस राइस व्हीट ओट कॉर्न डिनोट्स विच सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो आपका सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया है, चावल, फिर आपके गेहूँ, फिर आपके ओट्स की बात की गई है, फिर आपके कॉर्न जो आपको, तो ये जो आपका सीक्वेंस है, फिर वो आपके कौन से सब्जेक्ट के जो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये आता है? तो ये आता आपका लिटरेरी वॉरंट, ए ऑप्शन लिटरेरी वॉरंट के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल कैटेगरीज डज नॉट अकर इन लेवल। तो कौन कौन सी इनमें जो मौलिक कैटेगरीज है, श्रेणी है, वो नहीं आती है एक लेवल के अंदर? तो ये आपका है एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जो मेरे पहले के मॉक टेस्ट आ चुके हैं उनमें हम बात कर चुके हैं, जो है क्या एक मूलभूत श्रेणियां जो कि आपकी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दी गई थी, वो ही आपके ये फंडामेंटल कैटेगरीज दी गई हैं। थोड़ा सा बस इंग्लिश में और हिंदी के मीनिंग में थोड़ा सा चेंज है। मूलभूत श्रेणियाँ अगर आप उनको देखेंगे तो आपके दिमाग में वैसे ही एनर्जी को है, ऊर्जा आप ले लेंगे, स्पेस को जो आप किस तरीके से स्थान को ले लेंगे, तो वही चीज़ें आपको साथ में इनको कंबाइन करके आपको देखना है। टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, एक मूलभूत श्रेणी हो जाएगा। इससे पहले भी जो आपका एक क्वेश्चन आया था, एक सेकंड में दिखा देती हूँ, ये भी आपका, ये भी किससे रिलेटेड जो कह सकते हैं फंडामेंटल कैटेगरी, तो ये भी क्या है आपकी मूलभूत श्रेणी के अंदर आता है। हु हैज ब्रॉट मराठी वर्जन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन। तो आर एस पारखी द्वारा जो है जो आपका कॉलम क्लासिफिकेशन का मराठी वर्जन जो है तैयार किया गया था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और आपको साथ ही ये भी बताना है कि इस पेपर के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। हु इनिशिएटेड द फाइव फंडामेंटल कैटेगरीज इन कॉलम क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, तो जिसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। इन कॉलर क्लासिफिकेशन इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर्टी फोर, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। इन नोटेशनल प्लान डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू विच कैनन। तो कैन जो आपके दिए गए हैं इनको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस के अंदर जो कौन सा जो आपका कैनन है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो वो हो जाएगा आपका रिलेटिविटी, बी ऑप्शन। रिलेटिविटी को कहेंगे संबद्धता इस तरीके से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग वर ब्रोड बाई डिस्क्राइब्ड बाई चार्ल्स एमी कटर इन द ईयर।
तो लाइब्रेरी कैटलॉग के जो ऑब्जेक्टिव से उद्देश्य थे वो डिस्क्राइब किए गए थे, वो जो कि आपके चार्ल्स एमी कैटलॉग द्वारा, तो कौन से ईयर में किए गए थे? तो ये किए गए थे 1876 द्वारा। नेक्स्ट है, विच लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश जनरल ऑफ लाइब्रेरी लाइब्रेरियनशिप? तो कौन सा आपका लाइब्रेरी लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो कि पब्लिश करता है आपका जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप? तो ये करता है आपका द लाइब्रेरी एसोसिएशन, ए ऑप्शन। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल वॉज हेल्ड इन द ईयर 1961 एट, तो ये कहाँ पर हुआ था आपका? द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल जो पर जो एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो वो 1961 में कहाँ पर हुई थी इनमें से? तो ये हुई थी आपके पेरिस में, जो पेरिस आपकी राजधानी है फ्रांस की। अ डिक्शनरी कैटलॉग मे बी डिवाइडेड इन टू, तो डिक्शनरी कैटलॉग है वो कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपके दो भागों में, ए ऑप्शंस का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रंगनाथन्स क्लासिफाइड कैटलॉग कॉड वॉज पब्लिश्ड बाई, तो ट्रिपल सी जो आपका वो पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? तो इनमें से आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, तमिलनाडु लाइब्रेरी एसोसिएशन, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन या फिर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा जो है पब्लिश किया गया था। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन स्टार्टेड बाई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन ईयर, तो ये है। तो कैटलॉगिंग पब्लिकेशन जो स्टार्ट किया गया था जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, तो इसमें कौन से ईयर में किया गया था? तो ये 1971 में किया गया था। ISBN स्टैंड्स फॉर, ISBN की फुल फॉर्म बतानी है, तो ये है आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, सी ऑप्शन। और अगर आपने मेरे पहले के मॉक टेस्ट अगर लगा रखे हैं तो आपको किसी भी आपकी जो फुल फॉर्म अगर पूछी गई है कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलमोस्ट आपको जितने भी ईयर पूछे गए हैं वो भी आपको याद हो रखे होंगे। मेरे मॉक टेस्ट जो मैंने बनाए थे वो आपके VMO की बुक से, जो भी आपकी ऑथेंटिक बुक्स थी उन्हीं में से बनाए थे। हालांकि आपको क्वेश्चन कह सकते हैं छोटे लगे होंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो आपको अभी तक याद अगर है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे। और जहाँ तक सवाल है जो आपके जो मूलभूत श्रेणियाँ थी जो अभी दो क्वेश्चन आए थे अभी तक, अगर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने एक मॉक टेस्ट बनाया था, हालांकि उसका नंबर मेरे को याद नहीं है लेकिन मैं ज़रूर सर्च करके आपको बता दूंगी। उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए थे वो सारे आपके मूलभूत श्रेणियों से रिलेटेड थे, और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो लाइन टू लाइन आपके VMO की बुक्स में से दी गई है और वही मैंने उसमें दिए थे। और यहाँ पर बस खाली आपको इंग्लिश में दे दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी आपके पास फ्री टाइम है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप अदर बुक रेफर करते हैं तो उनमें मिस्टेक्स की भी जो कह सकते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ होती है, हालांकि होती है तो उन वो भी कम हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट है आपका, मार्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ कैटलॉग, तो मार्क किस तरह का आपको एक उदाहरण है किस कैटलॉग का? तो ये आपका सेंट्रलाइज कैटलॉग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, टर्म प्रीनेटल कैटलॉगिंग वॉज यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं 2-3 बार आपको मॉक टेस्ट में करवा चुकी हूँ। तो वो है आपकी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो द्वारा जो है आपकी प्रीनेटल जो कैटलॉगिंग की एक टर्म जो है वो यूज़ की गई थी आपके डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई, तो ये किया गया था आपके डेरेक ऑस्टिन द्वारा, डी ऑप्शन, डेरेक ऑस्टिन। और इस पेपर में जो आपको एक पर्सन से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे, जिससे आप देख सकते हैं डेरेक ऑस्टिन के बारे में भी आप काफ़ी क्वेश्चन और भी आगे देखेंगे, तो आप उनको ज़रूर नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट है, ALA लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स
फॉर यूज इन डिक्शनरी कैटलॉग्स इन, तो उसका मतलब है कि सब शब्द को उस कैटलॉग में उपयोग के लिए विशेष शीर्षकों, तो टाइटल को कहेंगे, जो आपका हेडिंग है उसको कहेंगे शीर्षकों की सूची जो है कब जारी की गई थी इनमें से। ALA आपका क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इनमें से जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन 1895 में। और अभी आपने देखा था कि ALA की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1876 में 6 अक्टूबर को। नेक्स्ट है विच इंडेक्सिंग सिस्टम हैज़ ओपन एंडेड वोकैबुलरी। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादातर बेस्ड होंगे आपके इंडेक्सिंग पर, सूचीकरण पर बेस्ड होंगे, तो आप उनको भी ध्यान रखें। तो ये है आपका, इसको कह सकते हैं प्रेसिस, कह सकते हैं PRECIS। तो ये आपका जो सिस्टम है वो जो इंडेक्सिंग का सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है, ओपन एंडेड वोकेबुलरी पे। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो है आपका हु हैज़ डेवलप्ड प्रेसिस, तो ये किसके द्वारा जो है डेवलप की गई थी। तो आपका फिर से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डेरेक ऑस्टिन। तो ये की गई थी डेरेक ऑस्टिन द्वारा। इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ फैक्ट है वो भी अभी हम जाने थे, पहले तब ये जानिए कि प्रेसिस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है आपकी प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स या फिर इंडेक्सिंग सिस्टम, सूचीकरण की एक सिस्टम है आपका ये प्रेसिस। और ये आपका डेरेक ऑस्टिन और एक आपके थे पीटर बूचर द्वारा ये इशू किया गया था। और इसका अगर ईयर की हम बात करें तो ये इश्यू किया गया था 1969 में। और ये जो आपके डेरेक ऑस्टिन थे वो कहाँ के कह सकते हैं व्यक्ति थे, तो ये आपके ब्रिटिश कह सकते हैं लाइब्रेरियन थे डेरेक ऑस्टिन। नेक्स्ट थियोसोस फैसिट इज, तो ये आपका लैटिन शब्द है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका है एक इंडेक्सिंग टूल है, सूचीकरण का एक टूल है। हाउ मेनी स्टेप्स डज पॉप्सी हैव, तो पॉप्सी भी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पॉप्सी भी जो रिलेटेड है आपके इंडेक्सिंग से रिलेटेड ही है। तो पॉप्सिक की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो जाए पोस्टुलेटेड बेस्ड परम्यूटेट सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। और इसमें जो आपके स्टेप्स होते हैं वो आप ज़रूर नोट करते हुए चलिए, साथ में लिखते भी चलिए, तो वो हो जाएंगे आपके सी ऑप्शन। इसमें 8 स्टेप होते हैं पॉप्सी में। और जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट आपको कह सकती हूँ फुल फॉर्म्स बताई है, जो मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन नहीं करवाई है, उनकी आपको फुल फॉर्म भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी एक साथ, बाकी आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। प्रेसिस वॉज डेवलप्ड बाई डैश इन 1971, तभी मैं आपको इससे पहले क्लू दे चुकी हूँ। तो प्रेसिस आपका एक तो जो इशू किया गया था वो दो इंसानों के द्वारा बनाया भी गया था, लेकिन डेवलप कहाँ पर किया गया था ये भी आप देख लीजिए, तो वो आपका ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी नेशनल बिब्लियोग्राफी। और ये किया गया था आपका जो आपके दो इंसान थे वो कौन से, डेरेक ऑस्टिन और पीटर बूचर। इनका नाम थोड़ा कम लिया जाता है लेकिन मोस्टली हम देखते हैं वो किन का नाम आता है, डेरेक ऑस्टिन का। यूनिटर्न इंडेक्सिंग सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ, तो यूनिटर्न इंडेक्सिंग सिस्टम है वो किस तरह का एग्जाम्पल है, वो है कीवर्ड बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम। तो यूनिटर्न जो इंडेक्सिंग सिस्टम है वो एग्जाम्पल कह सकते हैं, वो आपका कीवर्ड बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूटर माउस, काइंड ऑफ कंप्यूटर माउस, तो ये आपके अब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो ये आपका जॉयस्टिक जो है आपका एक कह सकते हैं कंप्यूटर माउस है, जिसे कि आप लोग गेम खेलते हैं। CPU स्टैंड्स फॉर, CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो CPU की फुल फॉर्म आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू फोर्थ जनरेशन, तो कौन से ईयर से संबंधित है ये आपको बताना है, तो वो है आपकी 1970 फिर उसके बाद टिल अभी तक।
सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिलोंग्स टू, तो सेकेंड जनरेशन बतानी है। तो जो इसका राइट आंसर है वो 1956 से 63 तक। मेमोरी कैपेसिटी ऑफ PCAT AMD ड्यूरॉन इज, तो कैपेसिटी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 128 MB+। 1 KB इज इक्वल टू, तो 1 KB में कितने आपके बाइट्स होते हैं? तो जिसका राइट आंसर है वो 1024 बाइट्स होते हैं। LCD स्टैंड्स फॉर, LCD की फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी ऑप्शन। MICR रेफर्स टू, MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो किसे आपका कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है या फिर हृदय कहा जाता है? तो फॉलोइंग इज कॉल्ड हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो जिसका राइट आंसर है वो आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग वोलेटाइल मेमोरी, तो वो है आपकी रेम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हु डेवलप्ड CDIS/ISIS, तो ये किया गया था आपका, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, ये किया गया था यूनेस्को द्वारा, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो वर्ड परफेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। FTP रेफर्स टू, FTP की फुल फॉर्म क्या है? तो है आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेरी लैंग्वेज कम अंडर विच जनरेशन, क्वेरी लैंग्वेजेस कम अंडर विच जनरेशन, तो ये आती है आपकी फोर्थ जनरेशन में। टर्मिनल सिंबल इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स, तो कहती है स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम लॉगिन, सॉरी लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज DSS स्टैंड्स फॉर, तो वो आपकी आ कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। विंडोज एंटी इज अ, तो विंडोज एंटी क्या है? तो वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। आउटलुक एक्सप्रेस इज अवेलेबल ऑन, इंटरनेट एक्सप्लोरर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट माइल्स अबाउ द अर्थ, तो कितने ऊपर तक जो है सैटेलाइट्स मिल सकते हैं आपके कम्युनिकेशन रिलेटेड? तो वह है आपका 22,000 किलोमीटर, सॉरी माइल्स, किलोमीटर नहीं है, माइल्स है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, और उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी थे। तो आपका जो भी स्कोर रहा है इन क्वेश्चन में से, वो आप ज़रूर शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी रही हो वो आप ज़रूर बता सकते हैं। इसका PDF और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और बाकी जो लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हैं। उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपको जो राजस्थान जीके का मेगा वीडियो है उसका आप लिंक आई बटन पर मिल सकता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक भी कर सकते हैं आप चैनल को। और उसके अलावा आप अगर जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं, तो मैंने एक राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो अभी तक कवर करवा चुकी हूँ मैं। बाकी एक मेरा मेगा वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी जिसमें आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसका भी आप वेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो आप मिस नहीं कर पाएँ। सो थैंक यू।